खानों के लिए कभी दिल पसंद जा रहे हो, तो कभी बहादुराबाद जा रहे हो, कभी बर्गर खा रहे हो, तो कभी कुल्फी ट्राई कर रहे हो, तो कभी कटाकट खा रहे हो, तो कभी बीफ बर्गर ट्राई कर रहे हो, तो कभी अंडे वाला बर्गर ट्राई कर रहे हो, तो कभी मलिक की नल्ली निहारी ट्राई कर रहे हो। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है फूड आर्मी। आज मौजूद है लालू खेत में, कराची का सेंटर लालू खेत, और आज फूड आर्मी तलाश में है एक नई चीज़ की जो पूरे कराची क्या पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इतनी तपती धूप और इतना रश, इन सब से गुजरती हुई फूड आर्मी आज आप सब के लिए लाई है एक ऐसी चीज़ जिसका पूरे कराची में दंका बजा हुआ है। तो आपकी खिदमत में हाजिर है नल्ली बिरयानी। हेलो गाइस, फूड आर्मी के एक नए एपिसोड में आपका मेज़बान मोहम्मद मुबीन आप सबको खुश आमदीद कहता है। आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ गौसिया नल्ली बिरयानी है। एक्चुअली हम निकले थे संडे के दिन गौसिया नल्ली बिरयानी ट्राई करने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार गौसिया नल्ली बिरयानी आज बंद है। और उसके साथ ही एक मौजूद है मक्का नल्ली बिरयानी, ये भी बहुत मशहूर है, संडे के संडे इनका भी स्टॉल लगाया जाता है। और यहाँ आप मेरे साथ मौजूद हैं आज, जनाब आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान साहब मौजूद हैं। तो मोहम्मद इरफान साहब से पूछते हैं कि यार नल्ली बिरयानी इतनी कराची में जो चल रही है काफ़ी 1.5-2 साल से काफ़ी फेमस होगी नल्ली बिरयानी, तो इसकी क्या वजह है और यहाँ आपके पास लोगों का रश लगा रहता है संडे के संडे, तो जनाब बताएंगे थोड़ा क्या नल्ली बिरयानी पे आप मतलब इतनी फेमस क्यों है कराची में? मतलब ये नल्ली बिरयानी एक बिल्कुल नई रेफरेंस चीज़ है जो कि मार्केट में नहीं आई थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो है आजकल लोग जो है नल्ली बिरयानी खा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है गौसिया में भी चल रही है, और हमारी अलमक्का नल्ली बिरयानी इतवार के इतवार होते ही हम लोग, और अच्छी चल रही है अल्लाह का शुक्र है। मेयार भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, बीफ की है, और मतलब तेल वगैरह घी वगैरह सब एक नंबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई इसमें मिलावट वाली या वैसे नहीं है। अच्छा अच्छा, ये नल्ली बिरयानी जो है ये डिफरेंट है, मतलब इसमें क्या ऊपर से बिरयानी वही रहती है नॉर्मल बिरयानी जो होती है? नॉर्मल बिरयानी मतलब नल्ली का जो है इसके अंदर टेस्ट आता है, जायका आता है, हाँ। तो उसकी वजह से जो है इसमें अच्छा जैसे टेस्ट बढ़िया था इसका। अच्छा, कब से चला रहे हो अभी? हमने तकरीबन 6 महीने हो गए हम लोगों को, वैसे वो तो 7-8 साल हो गए। तो बिरयानी बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो आप नॉर्मली जो बिरयानी बनाते हो आप, तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो? मतलब जो इसके जो मसाले होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं जो बिरयानी के होते हैं, चावल वगैरह, चावल वगैरह, सेला, सोया सुप्रीम का तेल वगैरह जो इस्तेमाल होता है वही, और बीफ जो है वो अपना समझो कटवाते हैं हम अपना। अच्छा अच्छा, अपना जानवर ही लेते हैं। बीफ और चिकन दोनों होती है? बीफ होती है, सिर्फ बीफ, बीफ बिरयानी। तो नल्ली का जो है बीफ का कॉन्सेप्ट है, अगर चिकन होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, जो बीफ में जाएगा वो किसी चीज़ में भी जाएगा नहीं। अच्छा, तो यार मैं यहाँ आया हूँ मक्का नल्ली बिरयानी के यहाँ, और कराची में आपको पता है यार कराची फेमस ही बिरयानी की वजह से, तो आज का पहला मेरा ये व्लॉग है बिरयानी पर, तो लाहौर वालों से गुजारिश है यार इस व्लॉग को देखो, और कराची जब भी विजिट कर रहे हो तो नल्ली बिरयानी ट्राई करो, गौसिया की भी और यहाँ अलमक्का की बिरयानी है। मतलब संडे के संडे ही होती है यहाँ, वैसे तो नहीं होती, इंशाल्लाह हर करीब हो सकता है कि स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल तो यही है संडे के संडे ही। अच्छा अच्छा यार, मैं इनकी नल्ली बिरयानी लेके ट्राई करता हूँ, मतलब अच्छा रेट वगैरह के बारे में बताओगे इसकी क्या? नॉर्मली शुरू शुरू का हुआ है 60 रुपये की नल्ली है। अच्छा, 60 रुपये की नल्ली, ऊपर से डलती है सेपरेट और 120 की प्लेट है। अच्छा, तो एक बंदे के लिए 200 प्लेट की नल्ली बिरयानी ट्राई करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था,
और ये बिरयानी है सिंपल, इसके ऊपर हमने नल्ली ऐड करवाई है, देखें नल्ली, और ये ऊपर से इसको डाला जाता है सेपरेटली, और इसी का सारा मज़ा है नल्ली बिरयानी का। तो इसको ट्राई करके देखता हूँ यार मैं। ओए 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 ओए, बहुत ही आला यार, बहुत ही आला बिरयानी है विद नल्ली, बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है, सारा मज़ा ही नल्ली का है। ओए कराची की नल्ली बिरयानी यार बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो इन्होंने डाला है वो सैला चावल वगैरह यूज़ होता है और मसाले वगैरह डाले जाते हैं, इसे बिरयानी बनाई जाती है। और ये ऊपर नल्ली अलग से 60 रुपये का एडिशन है, लेकिन ये बहुत ही टाइट एडिशन है, ये इसी से सारा इसका मज़ा है नल्ली बिरयानी का। बहुत ही आला, बहुत ही आला है यार, इसका फ्लेवर जो है बहुत ही जो है चीज़ी फ्लेवर है और बहुत ही स्पाइसी है बिरयानी है, और इसका फ्लेवर जो है नल्ली का शॉर्टेस्ट फ्लेवर है इसका। ऐसा लग रहा है यार ये मक्खन का फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, और फुल देसी देसी ड्रेस आ रहा है इसके अंदर। और वो इसको खा के यार ईद की याद आ गई, अभी रिसेंटली गुजरी है। मेन लियाकताबाद सराफा मार्केट है, उसके बिल्कुल ही अपोजिट पे है ये ब्रांच, और ये अलमक्का नल्ली बिरयानी, और इसका भी जल्द ही इसको फुल फ्लेज लेवल पे इसको आगाज़ करने वाले हैं, तो ये गौसिया से कम नहीं है। इसका टेस्ट वाइज जो मैंने चेक किया काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनका, और बहुत ज़्यादा इनका अंदाज़ है जो ये मैंने यूज़ किया है, ये डिश होती है इसमें, डिश में सर्व किया जाता है ये नल्ली बिरयानी, तो ये भी एक यूनिक चीज़ है इनकी काफ़ी, और इसमें इसको खाने का मज़ा ही अलग है। वैसे नॉर्मली मैंने और जो बिरयानियाँ खाई हैं, तो ये दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैंने एक नल्ली बिरयानी ट्राई की है, और काफ़ी अच्छी मुझे लगी है बिरयानी। तो आप भी आओ मक्का नल्ली बिरयानी पे, और मक्का नल्ली बिरयानी पे आओ, और यहाँ की नल्ली बिरयानी लाजमी ट्राई करो जब भी आओ।